जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल 2023 से हैं उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारा चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है SSC, इस तरह का लिखकर आपको सर्च मारना है। तो अब जैसे ही सर्च मारते हैं फिर नीचे आ जाना है, फिर नीचे एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे एडमिट कार्ड का सेक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एडमिट कार्ड का सेक्शन दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर सभी रीजन का है जो लिंक यहाँ पर दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो शुरू से हम आपको डाउनलोड करके आपको हम बतलाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ईस्टर्न रीजन का, इसी पर क्लिक करना है। जो भी स्टूडेंट ईस्टर्न रीजन से है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर एक एडमिट कार्ड का सेक्शन देखने मिलेगा, इसी पर एक बार क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर यहाँ पर भी सेक्शन दिया गया है सीजीएल का, ये इसमें आता है और CHSL का है, जो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है इसमें आता है इस घर में। तो यहाँ पर सीजीएल का भी एडमिट कार्ड जो ईस्टर्न रीजन का भी जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर खाली दिख रहा है। अगर इसका एडमिट कार्ड जारी होगा तो इसमें इस बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। चलिए हम दूसरा रीजन का है जो देख लेते हैं, दूसरा रीजन का आया है नहीं आया जो। तो चलिए हम कर्नाटका और केरला रीजन का है जो देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जारी हो गया, यहाँ पर इसका लिंक है जो दिया गया है, तो इसी पर एक बार आपको क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर टिक आउट है जो यहाँ पर कर लेना है और फिर यहाँ पर चेक एग्जामिनर स्टेटस पर है जो क्लिक करना है। तो आपका एडमिट कार्ड जो शो हो जाएगा, फिर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब दूसरा रीजन का है जो देख लेते हैं आया है नहीं आया है। चलिए अब साउथ रीजन का यहाँ पर इसे देख लेते हैं क्लिक करके। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपका लिंक है जो एक्टिव हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो डाल देना है और यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका एडमिट कार्ड जो शो हो जाएगा। चलिए अब दूसरा रीजन का है जो देख लेते हैं। चलिए अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है जो देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए और फिर यहाँ पर दिया गया है एक सेक्शन एडमिट कार्ड का, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो यहाँ पर है जो इसका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट का है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इसका है जो लिंक अभी एक्टिव हुआ है। तो यहाँ अभी सीजीएल का जो इसका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड है जारी होता है आपको हम इसी चैनल के माध्यम से आपको हम अपडेट कर देंगे। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है सेक्शन सीजीएल का, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका है जो लिंक जो आ गया है, सॉरी इसका लिंक अभी नहीं आया है।
ये तो 2022 वालों का है, छोड़िए इसका लिंक अभी नहीं आया है, जैसे ही इसका लिंक आएगा आपको हमारे अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए। अब देखते हैं वेस्टर्न रीजन का, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा आपको, इस तरह का है जो अपलोडिंग लगा, थोड़ा वेट करिएगा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, इसमें टी कोड है जो कर लेना है, चलिए इसको मैं टी कोड कर लिए हैं, फिर वेरीफाई होगा, फिर इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो इसका भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो कि 14 से 27 तक इसका एग्जामिनेशन चलने वाला है, तो यहाँ पर ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर दिया गया है एक ऑप्शन क्लिक हेयर का, इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर से फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर दो तरह का इसमें दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, इसमें पहला स्टेप दिया गया है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इस कैप्चा को जोड़कर अपना सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, या आपको नाम से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर फादर का नाम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। चलिए दूसरा रीजन का है जो देख लेते हैं, चलिए मध्य प्रदेश रीजन का है जो देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और फिर नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो अभी इसका भी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है आपको हम अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। अब देखते हैं इसमें सेंट्रल रीजन जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भी स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंट्रल रीजन पर, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको किस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर भी सेंट्रल रीजन का भी यहाँ पर नहीं आया है एडमिट कार्ड, जैसे ही आएगा आपको हम अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। और देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है, फिर इस तरह का वेरीफाई होगा, आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है तो आपका वेरीफाई होगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, फिर यहाँ पर दिया रहेगा एडमिट कार्ड का सेक्शन, यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा, फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, फिर देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड के सेशन में भी किसी का भी एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। चलिए हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं, और अभी इस रीजन का भी छूट गया है जो कि नॉर्थ इंडियन रीजन का भी एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है आपको हम अपडेट कर देंगे।